अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अच्छा, अब मैं आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन फाइनेंस का दूंगा और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस चीज़ को टारगेट करूंगा अपनी इन वीडियोस में, इस वीडियो सीरीज़ में, या यूं कह लें। ठीक है, देखिए, हमारे पास दो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग होती है, टू मोड्स होती हैं जिनके थ्रू कंपनी के अंदर पैसा आता है। एक है कैपिटल या इक्विटी, जिसको आम जबान में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। दूसरा है लायबिलिटी या डेट्स, जिसको आम जबान में उधार कहा जाता है। अब होता यह है कि या तो आपकी कंपनी डेट लेगी, उधार लेगी, या तो आपकी कंपनी किसी और से या आपका अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद बनेगी। ठीक है, अब अगर आपके पास इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग है, इक्विटी के बेस्ड के ऊपर अगर पैसा आता है तो उसे इक्विटी बेस्ड फाइनेंसिंग कहते हैं। तो इसके बदले में आपको देनी पड़ती है ओनरशिप। ओनरशिप देने का मतलब है कि आप दे रहे हैं प्रॉफिट। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी कंपनी डेट फाइनेंस है, अगर उधार के बेस पे लेते हैं तो डेट फाइनेंस होती है, तो इसका मतलब यह है कि आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट। ठीक है, यानी आपको दोनों सूरतों में पैसा देना जरूर है। अल्लाह के नाम पे कोई आपको पैसे नहीं देगा भाई, खुश दिली से आपको पैसा कमाने के लिए कोई दुकान लगा के नहीं देगा। फाइनेंस जो है ना, वो ये कहता है कि आपसे अगर कोई बंदा पैसे ले रहा है तो उसके अगेंस्ट में आपको उसको पैसे, उसकी पैसे लगाए हुए पैसे के अगेंस्ट पैसा देना पड़ेगा। इसको हम कहते हैं, यानी उसने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है या आपको उधार दिया है और उसके अगेंस्ट आप उसको अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट की सूरत में डिविडेंड बन जाता है और डेट की सूरत में इंटरेस्ट बन जाता है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट और डिविडेंड डिफरेंट क्यों है? देखो, जब आपका बिजनेस है तो इसका मतलब ये है कि ये नफा भी होगा, ये नुकसान भी होगा। जब नफा होगा तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा डिविडेंड की सूरत में। ये रिस्कियर ज्यादा होता है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। इसके अंदर इन्वेस्टर का कोई खास रोल नहीं होता, अदर देन कि वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए वोट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर इंटरेस्ट फिक्स होता है, अगर 10% है, 15% है, उतना मिनिमम बेनिफिट उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसके अंदर ड्यू डेट खत्म होने की होती है, उधार है 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में उतर जाना है, ये कभी भी नहीं खत्म होता। इक्विटी इज फॉर लाइफ। ठीक है, आपकी रिटर्न हमेशा हमेशा के लिए है। अच्छा, अब होता यह है कि ये जो डेट है, इसके आने के भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो आपको लोन मिल जाए, या बॉन्ड या ट्रेजरी बिल्स या टी बिल्स जिनको कहते हैं, बिल्स की सूरत में आपके पास ये पैसे आ जाए। बैंक देगा तो बैंक लोन देगा, और अगर जनरल पब्लिक से आप लेंगे तो वो मोस्टली बॉन्ड्स की सूरत में बिकेंगे आपके बॉन्ड्स। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इक्विटी मोस्टली जनरल पब्लिक खरीदती है और ये जनरल पब्लिक शेयर्स की सूरत में खरीदती है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंसेस हैं इस फाइनेंसिंग के, अलग अलग मतलब तरीके कैसे कैसे हो सकते हैं और इनके इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। ये दो तरीके हैं और इन दोनों तरीकों के अंदर रिटर्न क्या आएगा वो मैंने आपको समझाया। अब सारा गेम होता है टाइम का, सारा गेम है टाइम का। ये मैं मिटाता हूं अब थोड़ा सा और मैं आपको बताता हूं क्या गेम है टाइम का। देखो यार, एक बात समझो, सारा प्रॉब्लम यहां है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कर आप आज रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न मिलेगा फ्यूचर में। इसका मतलब यह है कि मैं आज की डेट में जो पैसा दूंगा
उसके अगेंस्ट में अगर मुझे पैसा फ्यूचर में मिलेगा तो उसकी वैल्यू कम हो चुकी होगी, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा इन्फ्लेशन फैक्टर आ जाता है, ठीक है, आपके पॉपुलेशन इफेक्ट है, यानी आपके पैसे की कीमत गिरेगी। यानी अगर कोई बंदा आज मुझसे 1 लाख रुपए उधार लेता है ईयर जीरो पे, तो इसका मतलब अगर वो मुझे 2 साल के बाद 1 लाख रुपए वापस करता है, तो आपको भी पता है पेट्रोल कहाँ का कहाँ पहुंच रहा है, तो भाई ये 1 लाख रुपए की कीमत गिर चुकी होगी, इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए के बराबर नहीं बचेगी। अच्छा, अब इसके अगेंस्ट जो ये हमारी कीमत गिरती है, इसको हम ये कहते हैं कि भाई हम अपनी फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, सही है, यानी जो फ्यूचर में हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम आज की डेट में कन्वर्ट करें, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये आपके लिए कहलाता है डिस्काउंट फैक्टर, ठीक है। अगर आप फ्यूचर की वैल्यू को आज की वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे कहते हैं डिस्काउंट करना, ठीक है, और अगर आज की वैल्यू को हम फ्यूचर में लेके जाते हैं तो इसे हम कहते हैं कंपाउंड करना, क्योंकि आज की वैल्यू अगर आगे जाएगी तो वो बढ़ेगी, और आगे की वैल्यू अगर पीछे आएगी तो वो कम होगी। आगे जाने को कंपाउंड कहते हैं, पीछे आने को डिस्काउंट कहते हैं। फ्यूचर वैल्यू आपका कंपाउंड है और प्रेजेंट वैल्यू आपका डिस्काउंट है, ठीक है, ये सारा असल गेम है। तो हम अब इसके बाद से अगली जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के अंदर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जाएंगे और इसके अलग अलग तरीके, ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।